सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं धुआं कुंड, मांझर कुंड का ये सेकंड एपिसोड है दोस्तों। और जो लोग दोस्तों मांझर कुंड का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके मांझर कुंड का वीडियो देखे। और अब हम लोग चल पड़े हैं धुआं कुंड के रास्ते और वहाँ जाके आप लोग को धुआं कुंड का एक बेहतरीन नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। इसी के दोस्तों बगल साइड में ये धुआं कुंड, तो चलिए अब आप लोग को ले चलते हैं। सो देखिए गाइस, हम लोग चढ़ पड़े हैं धुआं कुंड के रास्ते में और ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आप लोग वो ब्रिज है भाई, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ ब्रिज है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छोटा सा ब्रिज से रास्ते होके। बहुत ही दोस्तों अच्छा जगह है, प्राकृतिक के एकदम चारों तरफ बीच में है। कैमूर की पहाड़ियाँ से यहाँ पूरा झरना गिर रहा है चारों तरफ से मांझर कुंड में, और यही पानी दोस्तों मांझर कुंड का धुआं कुंड में चला जा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे रास्ते हैं और हम लोग जा रहे हैं धुआं कुंड की ओर, जो कि मांझर कुंड से ही कट के है। उधर उसी का जो पानी गिरता है उसको धुआं कुंड हम लोग बोलते हैं। ओ भाई भाई, बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सोचे नहीं थे कि इतना भाई गर्मी होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ओ भाई किस प्रकार, हाँ ये सब एकदम प्राकृतिक के बीच में है, इतना अच्छा लग रहा है कुछ कहने का नहीं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं पहुंच गए हम लोग धुआं कुंड, और किस तरह से देखिए कितना तेज़ी से वाटर फॉलिंग हो रहा है। सारे मजे भाई इसी के हैं। वाह यार, कोई जवाब नहीं भाई, लाजवाब कितना सुंदर ये प्रकृति के बीच में बसा ये धुआं कुंड झरना। और दोस्तों इसको धुआं कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मांझर कुंड से बहुत ही तेज़ी से जो वाटर फॉलिंग हो रहा है, और तो छोटा छोटा जो वहाँ से धुआँ निकल रहा है बहुत तेज़ी वाटरफॉल के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ा है धुआं कुंड। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और काफ़ी दोस्तों गहराई बहुत ज़्यादा, इतना कि यहाँ कोई नापा नहीं, हमेशा इसका गहराई बढ़ते रहता है। और कुछ इस प्रकार का देखिए दोस्तों, वाह व्हाट ए व्यू यार, मज़ा आ गया भाई यहाँ पे आके। चलिए आपको थोड़ा सा सिनेमेटिक व्यू इसका दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ धुआं कुंड है जी, पतलपुरी है, सात खटिया सात मटिया के बाद लागू है तब न पता चलल। आई मंदिर है बाबा, कब से है? अंग्रेज के बेर से दूगो मकान है, अच्छा। दूगो कुटिया है, तीन गो, सात आदमी
के स्थान बना हुआ है। यहाँ पूरा अंग्रेज के है? हाँ अंग्रेज। आप कब से रह रहे हैं? हमारा हो गया 50 साल। 50 साल से यहाँ? चलिए ठीक है ना। आज यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं छांव में, एकदम पर्वत के एकदम ऊपर चोटी पर, और ये साइड में देख सकते हैं मंदिर है, और यह बाबा यहीं पे रहते हैं मंदिर के देख रेख के लिए हमेशा। तो और ये साइड दोस्तों पूरा पर्वत के, और आप लोग का पीछे का तो व्यू देख ही सकते हैं धुआं कुंड का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ। आप लोग भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। तो दोस्तों यहाँ पर एक किला है, तो अभी उसी के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अरे भाई टॉप पे जाते हैं, टॉप पे यार। यहाँ से दोस्तों आप लोग का व्यू दिखेगा, वाओ यार, मांझर कुंड, और वो साइड में दोस्तों धुआं कुंड। ये दोस्तों शेख समुदाय के लोग यहाँ पे बनाए थे भाई, काफ़ी यार जन्नत जैसा जगह पे वो लोग रहते थे। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जगह है। तो वीडियो कैसा लगा भाई, एक बार आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और जो लोग दोस्तों नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो अब दोस्तों यहीं पे एंड होता है, तो अब दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो और तब तक के लिए बाय बाय।